संविधान का निर्माण करने वाले विश्वरत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। मैं शिव कुमार सागर सभी धर्म प्रेमियों को नमो बुद्धाय जय भीम। ये जो वाक्या मैं गाने जा रहा हूँ यह काल्पनिक नहीं पूर्ण रूप से सत्य व प्रमाणित है। इसे तमाम पुस्तकों का अध्ययन कर आदरणीय ईश्वर सिंह जी ने शब्द दिया है। यह उस समय की घटना है जब हमारे देश में समता स्वतंत्रता बंधुत्व की भावना रहा करती थी। कोई जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच बड़ा छोटा नहीं था। सब समान थे और आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। सोचो सोचो कल्पना करो कैसा रहा होगा वो दृश्य। यहाँ के मूल निवासी राजा महाराजा हुआ करते थे। महाराज हिरण्यकश्यप, महाराज बलि, महाराज विरोचन, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सम्राट अशोक सहित मौर्य वंश के दसों महाराज। परंतु हमारे देश पर मध्य एशिया से आए हुए आर्यों का आक्रमण होता है। सभी मूल निवासी राजा महाराजाओं को साथ लाए हुए मदिरा पिला पिला कर छल कपट से मार कर उन्हें दानव राक्षस नाम दे दिया जाता है और मारने वाले को खुद को भगवान का अवतार बता दिया जाता है और सभी मूल निवासियों को बंदी बनाकर चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा 6,743 जातियों में बांट देते हैं तथा अपनी गुलामी करने हेतु कार्य बांट देते हैं। जैसे नाई हमारी हजामत करेगा, धोबी कपड़ा धोएगा, अहिर हमें दूध घी देगा, कोयरी हमें सब्जी उगा कर देगा, चमार चमड़ा छीलकर जूते बनाएगा, गणेरी भेड़ से ऊन कंबल देगा, कहार पानी भरेगा, कुहार घड़ा बनाएगा, लोहार कुर्सी मेज बना कर देगा, इत्यादि इत्यादि कार्य बांट देते हैं। छुआछूत की भावना चरम सीमा पर पहुंच जाती है। शूद्रों के ऊपर कहर ढाए जाते हैं। उसी समय 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश इंदौर के महू छावनी में पिता रामजी राव के यहाँ माता भीमाबाई की गोद में एक अद्भुत बालक का जन्म होता है। बालक बड़ा होता है, स्कूल जाता है तो देखता है छुआछूत गुलामी अस्पृश्यता पाखंड भ्रमजाल में हमारा समाज जकड़ा हुआ है। यह देख बालक को कष्ट हुआ और समाज को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने की कसम खा लेता है और आंदोलन छेड़ देता है। समय गुजरता गया, बालक को स्कूल के बाहर पढ़ना पड़ा पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक की शादी हो गई पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक के बाल बच्चे हो गए पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक को पढ़ने विदेश जाना पड़ा पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। बालक के बच्चे की मृत्यु हो गई पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा।
बालक की पत्नी की भी मृत्यु हो गई, पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। वो बालक अमेरिका के, कोलंबिया, लंदन के यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी के वान विश्वविद्यालयों से 6 विषय से एमए, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, डीएससी, डीलिट, बार एटला, एलएलबी कर बैरिस्टर बने। उस बालक का नाम था संविधान निर्माता, विश्व रत्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, महू नगर इंदौर में जन्मा, महू नगर इंदौर में जन्मा, एक दलित इंसान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। फिर बाबा साहब का बचपन बहुत ही कष्टदायक गुजरता है। कैसे? अछूत में बचपन बीते, पढ़ते जख्मों को सीके, कहीं पानी नहीं मिलता, गला पानी बिन सूखे, कहीं पानी नहीं मिलता, गला पानी बिन सूखे, मदरसा पढ़ने जाते सब छुआ छूत मनाते, बैठ के बाहर सोचो कैसे वो ध्यान लगाते, बैठ के बाहर सोचो कैसे वो ध्यान लगाते, सबको समान बनाने का था, सबको समान बनाने का था, दिल में भरा तूफान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब को स्कूल के बाहर बैठने दिया जाता था, प्यास लगने पर पानी नहीं दिया जाता था, पर साहब पढ़ते रहे। फिर बाबा साहब की शादी रमाबाई से हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, बाबा साहब संघर्ष करते हैं। एक बार बच्चे को डबल निमोनिया हो जाता है और बच्चा बीमार पड़ जाता है। बाबा साहब को खत मिलता है, खत में क्या लिखा होता है? बेटे का स्वास्थ्य है गड़बड़ साहब, तुम जल्दी आओ, पास पैसे नहीं मेरे आके इलाज कराओ, पास पैसे नहीं मेरे आके इलाज कराओ। पर बाबा साहब क्या करते हैं? तार जब फिर से आया, संदेशा गंभीर पाया, घर पे तब पहुँचे साहब, आँख से आंसू आया, घर पे जब पहुँचे साहब, आँख से आंसू आया। बाबा साहब ज्यों ही चौखट लांघते हैं क्या देखते हैं? धन के अभाव में राज रतन, दवाया भाव में राज रतन, छोड़ चुका था प्राण। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब जिस बेटे को कहते थे तू मेरा शेर है, तू मेरा पिए है, तू बड़ा होकर तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा काम करना है, वही बेटा आज चल बसा। बाबा साहब
बेटे की लाश को वही छोड़ पत्नी रमाबाई से कहते हैं, रामू मैं जा रहा हूँ। यह सुन गांव वाले बोल पड़ते हैं, अम्बेडकर तू कैसा बाप है। बेटा दवा के अभाव में चिल्लाता रहा, छटपटाता रहा, तुम्हारा नाम ले लेकर एक एक सांस गिनता रहा। तुम नहीं आए और आज आए भी तो मरने के बाद वो भी बिना अंतिम संस्कार किए जा रहे हो। तो बाबा साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरी है क्या मजबूरी ऐसे कैसे मैं बताऊं, मेरा जाना है जरूरी कैसे सबको समझाऊं, मेरा जाना है जरूरी कैसे सबको समझाऊं। दिल में मेरे कसक है काश थोड़ा पहले आते, कम से कम लाल से अपने बात दो ही कर पाते, कम से कम लाल से अपने बात दो ही कर पाते। मैं ना पहुँचा कितने मरेंगे, मैं ना पहुँचा कितने मरेंगे, सब है मेरी संतान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब कहते हैं, अगर मैं आज नहीं पहुँचूंगा तो जैसे मेरे साथ हुआ है सबके साथ होगा, इसी तरह पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में सबके बच्चे मरेंगे, और इसी तरह हर बाप के पास पैसे नहीं होंगे कि वो दवा करा सके और अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर सके। ये जो अगली कड़ी मैं गाने जा रहा हूँ, ये हमारी समस्त माताओं बहनों को एक संदेश है कि अगर कोई पुरुष पति अगर महान बनता है तो वो उसमें स्त्री का, नारी समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। बाबा साहब को भी महान बनाने वाली उनकी पत्नी रमाबाई को सारा श्रेय जाता है। उस माता रमाबाई को करोड़ों करोड़ों बार नमन। वो रमाबाई साहब से क्या कहती है, अंतिम संस्कार करने को साहब से ये फरमाया, कुछ पैसे हैं तो दे दो, रमा ने हाथ बढ़ाया, कुछ पैसे हैं तो दे दो, रमा ने हाथ बढ़ाया। लेकिन होता क्या है, रमा की बात ये सुनकर साहब ने फफक के रोया, बात तब समझी रमा ने साहब को धीरज धराया, बात तब समझी रमा ने साहब को धीरज धराया। बेटे को साड़ी में लपेटे, बेटे को साड़ी में लपेटे, चली रमा शमशान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। बाबा साहब बड़े होते हैं, उस मनु का विधान, मनु स्मृति लागी रहती है, जिसमें शूद्रों को अछूतों को रात को दिन को 12 बजे ही घर से निकलना होता है ताकि उनकी परछाई किसी पर न पड़ जाए, वो अशुद्ध न हो जाए। थूकने के लिए गले में मक्खी लटका दिया जाता था, कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, यहाँ तक कि नारियों को भी बंदी गुलाम बना लिया गया था। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को चिता पर जिंदा जलना होता था, जिसे सती प्रथा नाम दिया गया था। शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं था, अपने बच्चे का नाम रखने तक का भी अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब
ने 19-20 मार्च को 1927 को महाड़ सत्याग्रह आंदोलन करते हैं जो पानी के लिए होता है। उसके बाद 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अपने साथियों के साथ उस मनुस्मृति को जलाते हैं। मनुस्मृति को जलाया, विधवा का ब्याह कराया, पति संग चिता पे जलना सती ये प्रथा मिटाया। पति संग चिता पे जलना सती ये प्रथा मिटाया। कमर से झाड़ू हटाया, गले से मटकी हटाया, सभी को शिक्षा का हक मेरे साहब ने दिलाया। सभी को शिक्षा का हक मेरे साहब ने दिलाया। बंद कर दिया साहब ने, बंद कर दिया साहब ने उस मनु का विधान। जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। इसके बाद बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में पहुंचकर चार मांग रख देते हैं। पहला वयस्क मताधिकार, दूसरा जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व, तीसरा दो मत का अधिकार, चौथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र। साहब की यह मांग सुनकर सभी बौखला जाते हैं और साहब को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। पर साहब साफ कह देते हैं, मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं दलितों को, शोषितों को, उनको उनका हक दिलवा कर ही मानूंगा। यह सुन गांधी आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। फिर साहब के नहीं मानने पर मनुवादी दलितों शोषितों की झोपड़ी जलाना शुरू कर देते हैं, मारना पीटना इज्जत लूटना शुरू कर देते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, जब मेरा दलित समाज ही लूट जाएगा, नहीं रहेगा, तो मैं किसके लिए लड़ूंगा। यह सोच बाबा साहब समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी केवल एक मांग वयस्क मताधिकार मिलता है, शेष तीन की जगह आरक्षण पास किया जाता है। पहले जिसके पास संपत्ति थी, पढ़ा लिखा था, वही वोट देने का अधिकारी था, पर अब 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग वोट देने के अधिकारी हो गए। वहीं से हमारा समाज नौकरी चाकरी पाने लगा। बाबा साहब की चारों मांगे नहीं पूरी हुई। आंख में आंसू लेकर बाबा साहब समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। पुणे में यह समझौता दिनांक 24 सितंबर 1932 को हुआ, जिसको पुणे पैक्ट नाम दिया गया। आंख में आंसू लेके साहब ने कलम उठाया, करके संतोष वहीं पर गांधी की जान बचाया। करके संतोष वहीं पर गांधी की जान बचाया। जान पे खेल के अपनी साहब ने हक ये दिलाया, दलित भाई और शोषित जाके तब कुर्सी पाया। दलित भाई और शोषित जाके तब कुर्सी पाया।
आईएस पीसीएस आज बन रहा, आईएस पीसीएस आज बन रहा, सीएम पीएम प्रधान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। यहीं से हमारा दलित शोषित समाज नौकरी हेतु कुर्सी पाना शुरू हुआ, पर हमारा समाज नौकरी पाकर उस बाबा साहब को भूल जाता है और जाकर मंदिर मस्जिद में मत्था टेकता है। ये शिव कुमार सागर धिक्कारता है ऐसे नौकरी वालों को, ऐसे कुर्सी वालों को जिसके हृदय में जुबा पर बाबा साहब का नाम नहीं। ये वाक्या गाने में हृदय रो रहा है, रोम रोम रो रहा है। आगे बाबा साहब की पत्नी रमाबाई बीमार पड़ जाती है। बाबा साहब रो रो कर रमा से कहते हैं, रामू तुम्हें जो रोग हुआ है उसके दुनिया में बहुत डॉक्टर है, पर मेरे समाज को जो रोग हुआ है उसका केवल और केवल मैं ही डॉक्टर हूँ, मुझे क्षमा करना। पत्नी का भी इलाज बाबा साहब पैसे व समयाभाव के कारण नहीं करा पाते, और दिनांक 27 मई 1935 को पत्नी रमाबाई भी चल बसी। इसके बाद 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब सिंह गर्जना करते कहते हैं, मैं एक हिंदू अछूत पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और बाबा साहब दिनांक 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। इसके बाद दिनांक 6 दिसंबर 1956 को साहब इस दुनिया से हमसे सबसे विदा ले लेते हैं। वो तीन बात समझा के गए, वो तीन बातें क्या है? साहब का कथन है सच्चा, शिक्षित और संगठित हो जान लो अपने हक को, मिल के संघर्ष किए जा, जान लो अपने हक को, मिल के संघर्ष किए जा। हमको सम्मान दिया है, जग में पहचान दिया है, बन के बौद्धिष्ट ये जीवन जगत के नाम किया है, बन के बौद्धिष्ट ये जीवन जगत के नाम किया है। जाते जाते दे गए साहब, जाते जाते दे गए साहब, हमें सफल संविधान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान। महू नगर इंदौर में जन्मा, महू नगर इंदौर में जन्मा, एक दलित इंसान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान, जगत में कैसे हुआ महान।